आगे बढ़िए, हम लोग सब एक हैं। तुमने चाह होता तो हालात बदल सकते थे और तुम्हारे आंसू मेरे यहाँ से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे पानी सी झील की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे मेरे साथियों। रात में देखे हुए सपने कभी सच नहीं होते, रात में देखे हुए सपने कभी सच नहीं होते। सच होते हैं वो सपने जो मुझे सोने नहीं देते। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज हम लोग यहाँ से अगर जाएंगे तो ये सोचना है कि हमें लड़ाई लड़ना है, आगे बढ़ना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है। अब रहा सवाल 2024 लोकसभा का जो आने वाली है, हम तो यही कहा जाता है कि भाजपा आ रही है, इसको हरा दो, भाजपा आ रही है। अरे हमारा बच्चा भूखा है, हमारे बच्चों के पेट में दाना नहीं है, मेरे घर में छत नहीं है, मेरी बच्चों के पास नौकरियाँ नहीं है, और मुझसे कहा जाता है बीजेपी को हरा दो। आखिर हम हराने जिताने का काम क्यों करेंगे भाई? हमने कोई टेंडर नहीं डाल रखा है हराने जिताने का। 20% का मुसलमान क्यों हराए जिताए? 80% के लोग हैं वो हराए वो जिताए, इस देश में सरकार बनाए। हमारा काम है अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए हम काम करेंगे, किसी को हराने जिताने के लिए हम काम करने नहीं आए हैं। पूरे भारत में जाकर के आपका भाई मकसूद अंसारी यही कह रहा है, जो तुम्हारी मांगों को मानेगा, जो तुम्हारे भागीदारी देगा, जो तुम्हारी हिस्सेदारी देगा, तुम उसी को वोट देना 2024 में। हराने जिताने के लिए वोट ना देना। तुम 70 साल की उम्र हो गई, इस दुनिया से जब जा रहे हैं, हम भी कहते जा रहे हैं कि बेटा तमाम जिंदगी हमने हराना जिताना सीखा है, अपने बच्चों से कह रहे हैं बेटा तुम भी हराना जिताना, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ना बना पाए। अरे क्यों ठेका ले रखा है किसी को हराने जिताने का? उनके तो अमाल ही काफी है उनको खत्म करने के लिए, तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ी उन्हें खत्म करने के लिए। आप ये मुस्तहिद हो जाएं कि हमें हराने जिताने का काम 2024 में नहीं करना है। जिस पार्टी से मेरा समझौता होगा, जिन लोगों से मेरा समझौता होगा, हम उसी के साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे। पहले भागीदारी चाहिए, पहले हिस्सेदारी चाहिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए हम काम करेंगे, उसके अलावा हम किसी को वोट देने के लिए काम नहीं करेंगे। ये संकल्प लेना चाहिए। आज आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि दिल्ली इस देश का सबसे बड़ा राजधानी है। दिल्ली से जो भी बात निकलती है तो पूरे देश में जाती है। इस देश में हमारे 29 राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं। ये बताओ 22-25% की आबादी, 30 से 35-32 करोड़ हम मुसलमान, किसी देश का किसी राज्य का मुख्यमंत्री है क्या? किसी राज्य का क्या डिप्टी सीएम है क्या? आप सोचना चाहिए कि हमारा ना कोई मुख्यमंत्री बचा, ना कोई में हमारा डिप्टी सीएम बचा, और फिर भी हम हरारते जताने का काम करेंगे। आज से बंद कर दो, जो हमें डिप्टी सीएम बनाएगा, जो हमें इस देश में सीएम बनाएगा, हम उसी के साथ खड़े होंगे। हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम दरी पट्टा नहीं उठाएंगे। याद रखना मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी बात को जहन से सुनना, याद करना मुझसे और हमारे भाई गुलाम सरदार जी से मुलाकात करना, हमारा भी इनके पास नंबर है, मुलाकात इंशाल्लाह हम लोगों की होगी। और 1989 में पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया गया जिसे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का नाम दिया गया। जब से ये एक्ट बना था तब से काफ़ी गिरावट लोगों के अंदर जुर्म और सितमों में आई है। तो आज जो हालात इस देश के अंदर दलितों के थे उस समय पर, आज वो हालात पिछले 10 साल के अंदर हमारी माइनॉरिटी और मुस्लिम समाज के लोगों के हैं। तो ये आवाज़ बिल्कुल जायज़ है और ये समय का तकाजा है कि जब देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस तरीके के सुरक्षा कवच को इख्तियार करने के लिए एक अधिनियम बना सकते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो लंबे समय से पसमांदा के गुणगान कर रहे हैं, आज सवाल ये है कि वो गुणगान सिर्फ दिखाने के लिए है या वास्तव में इस समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का है। अगर वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अगर इसको चरितार्थ करना चाहते हैं और वो पसमांदा मुस्लिमों की भलाई चाहते हैं, तो आज जो ये आवाज़ इस एकेडमी से उठी है और पहले भी उठी थी कि अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर माइनॉरिटी और पसमांदा मुसलमानों को जोड़कर SC ST एक्ट में शामिल कर लिया जाए ताकि इनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके, तो मैं आज के इस अधिवेशन में इस मांग का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और सहयोग करता हूं। और ये सच्चाई है। देखिए, जो देश के दलित साथी हैं हमारे,
जब ये आवाज़ उठी कई महीने पहले जंतर मंतर से, तो उन्होंने कई साथियों ने इसका विरोध भी किया। हमने उनको समझाया, हमने उनको बताया कि एक तरफ जहां हम बहुजन आंदोलन की बात करते हैं, जहां हम 1585 की लड़ाई की बात करते हैं, तो उस 1585 की लड़ाई के अंदर, इस देश के अंदर वास्तव में अगर बहुजन धारा को और 1585 की लड़ाई को सही रूप में आप सड़क पर लाना चाहते हैं, तो जब तक माइनॉरिटी का 15% इस देश का मुस्लिम साथ नहीं आएगा, जब तक ये लड़ाई निरर्थक है और जब तक ये सही दिशा में नहीं जा पाएगी। आज हालात ये है, जब ये कानून बना और जब भारत का संविधान बना, उस समय देश के हालात अलग थे। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने एक वर्ग बनाया और अनुसूचित जाति की 1200 उपजातियां हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। पूरे देश में अलग अलग नामों से जानने वाली 1200 उपजातियां अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर हैं। जो लोग उनकी जाति से नफरत करने कर रहे थे वो लोग मायावती जिसे राखी बंधवाने लग गए। सवाल ये उठता कि दुनिया ताकत की पूजा करती है, दुनिया देने वालों के साथ रहती है, दुनिया मांगने वालों के साथ नहीं रहती। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये आज जो आज सम्मेलन हो रहा आप लोगों के बीच में, ये आपके बच्चों का भविष्य है। अगर आज तुमने बोलना सुन बंद नहीं अगर आज तुम बोल नहीं बोलना नहीं बोल रहे तो याद रखो, आने वाले समय में तुम्हारी नस्लें गूंगी और बहरी पैदा होंगी, ना कुछ बोल पाएंगी ना कुछ सुन पाएंगी। सवाल ये उठता है कि जब इंसान बोलना बंद कर देता है तो उसकी कौम एक मुर्दे की तरह हो जाती है। और मुर्द कब्रिस्तान में चले जाओ, किसी मुर्दे की बहन बेटी का हाथ पकड़ लो, कोई मुर्दा आवाज़ नहीं करता। आज वही हालत हमारे साथ हो रही है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें मारा जा रहा है। एक धर्म विशेष के लोग आते हैं, एक नौजवान का धर्म विशेष का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं बोल, इस धर्म का नारा लगवाते हैं। धर्म का नारा ना लगवाने की वजह यह है उसके जान से मार दिया जाता है। तमाम इस तरह के एग्जाम्पल हमारे पास हैं। 1200-1300 लोगों की मौत हो चुकी है 8-9 साल के अंदर। सवाल ये उठता है कि ये हम लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारा कानूनी अधिकार है कि अत्याचार निवारण एक्ट 1989 में हम लोगों को शामिल किया जाए। अगर आप लोगों को इतनी देर से लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं, अगर आप लोगों की समझ में आया हो तो एक बार ज़रा हाथ उठाकर समर्थन कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद, हाफिज गुलाम सरवर जिंदाबाद, हाफिज गुलाम सरवर जिंदाबाद, डीसी कपिल साहब जिंदाबाद, हकीम हवारी साहब जिंदाबाद, तमाम स्टेज पे बैठे हुए हमारे बहन और भाई बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद।